सो वेलकम स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सो आपको दिया है कि जी ऑफ एक्स इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड एफ ऑफ एक्स इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा है तो जी ओ एफ का नेचर क्या होगा, जी ओ एफ जो है वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। एंड यू आर ऑल्सो आस्क्ड टू प्रूव दैट जी ओ एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज लेस देन और इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, सो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू एनालाइज द नेचर ऑफ दिस। ठीक है, सो जी ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। सो हाउ डू वी स्टार्ट? ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू। सो मान लीजिए देर आर टू नंबर्स सच दैट एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू फॉर सम एक्स वन कमा एक्स टू बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। मान लीजिए एक्स वन एंड एक्स टू आर टू रियल नंबर्स सच दैट एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू। नाउ दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू के बीच में, एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू के बीच में रिलेशन क्या है। सो आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, सो एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू इज है तो एफ ऑफ एक्स वन विल बी लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। नाउ एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स टू, सो दिस इंप्लाइज अगर ये दोनों फंक्शंस का जी अप्लाई किया तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टू के बीच में रिलेशन क्या होगा। सो जी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, जो रिलेशन पहले है वही रिलेशन बच जाएगा। सो अगर एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टू हो रहे। सो दिस इंप्लाइज जी ओ एफ इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकता हूं, क्योंकि अगर x1 वन ग्रेटर देन एक्स टू है तो जी ओ एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन जी ओ एफ ऑफ एक्स टू। सो दैट्स वॉट वी हैव गॉट, सो एफ जी ओ एफ इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि आपको जी ओ एफ का नेचर के बारे में एनालिसिस करना है। सो जी ओ एफ इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ हाउ डू वी प्रूव दिस? सो वी नो दैट एक्स प्लस वन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एक्स माइनस वन। सो कोई भी नंबर लिया तो x, उसका प्लस वन किया तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर आएगा, माइनस वन किया तो छोटा नंबर आएगा। सो दिस इंप्लाइज इफ यू अप्लाई जी ओ एफ ऑन बोथ साइड्स, जी ओ एफ ऑफ x प्लस वन एंड जी ओ एफ ऑफ x माइनस वन, जी ओ एफ अप्लाई करने के बाद साइन वैसा ही रहेगा या उल्टा हो जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन वेदर जी ओ एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन वैसा ही रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन उल्टा हो जाएगा। सो दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू gyf of x minus 1. So that is what you are asked to prove. So this is because gyf is a decreasing function. So yaha equality kyon leke aaya? Because it's strictly decreasing nahi. So equality bhi ho sakta hai. Thank you.